गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज सेल ऑर्गेनल्स वाट आर सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं दे आर कम्पार्टमेंट इनसाइड द सेल सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं जहाँ पे सेल की जो लेबर है जो वर्क है सेल के जो सेल को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो सभी क्या है वो सारे फंक्शन सारे लेबर्स क्या हैं डिवाइड हो रखे हैं इन कंपार्टमेंट्स में और इन्हीं सभी कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स आपकी इस नाइन्थ क्लास की एन में एक लाइन लिख रखी है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे नीड लोट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन

और उन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स और ये मेन फीचर है किसका यू सेल का दैट यू कैरियोटिक सेल्स हैव सेल ऑर्गेनल्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इट इज एंड द सेल ठीक है तो इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स जो एक यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफ्रेंशिएट करती हैं इज दैट क्लियर टू यू बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे हमें दो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा पढ़ना हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है इसे हम अब डिनोट करेंगे ई ER आर से इट इज अ लार्ज नेटवर्क क्या होता है बेटा इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स शेल के अंदर न्यूक्लियस से अराइज होती हुई क्या प्रेजेंट होती हैं मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है सेल के अंदर तो यहाँ से ऐसे लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या हो जाएगा इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल एंड शीट्स और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ठीक है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन कैसा होता है सिमिलर टू कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब हम पहले पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है इट इज़ लिपिड बाई लेयर तो ऐसे ही एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी किससे बनी हुई है लिपिड से बनी हुई है वो भी कैसी होती है लिपिड बाई लेयर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट अब क्या है एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है वन इज़ स्मूद एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले मैं बात करूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इंट्यूबुलर स्ट्रक्चर पे जो न्यूक्लियर से अराइज होते हैं ना ऐसे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अराइज होते हैं वहां पे क्या दिखाई देते हैं कुछ डोट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं ऐसे ये डोट लाइक स्ट्रक्चर क्या है राइबो जोम्स क्या होते हैं ये राइबो जोम्स और इसी की वजह से एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं हम रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकलम यहाँ तक क्लियर है बेटा ठीक है अब राइबोजोम का क्या रोल है राइबोजोम्स आर arda... द क्या होते हैं राइबोजोम्स दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज मीन्स प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है सेल के अंदर वो कहाँ पे होती है राइबोसोम्स के हेल्प से होती है राइबोसोम्स के अंदर होती है इसलिए इसने, इसने इन्हें क्या बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग ठीक है और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स होंगे यहाँ पे राइबोसोम के अंदर क्या है प्रोटीन बनते हैं और वो मैनुफैक्चर्ड प्रोटीन्स दैट मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स वो कहाँ पे भेज दिए जाते हैं दे आर सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन सेल कहाँ पे भेज दिए जाते हैं वो इन सेल डिपेंड ऑन नीड कि भाई सेल में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे उन प्रोटीन्स को भेज दिया जाता है सोट इट्स अ बिग रोल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि उसके पास राइबोजोम्स हैं और राइबोजोम्स क्या है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं अब मैं बात किसकी करूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है दे हेल्प इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ फैट्स ठीक है हेल्प इन मैन्यूफेक्चरिंग ऑफ फैट्स वो फैट बनाने में मदद करते हैं फैट्स बनाएंगे और साथ में कुछ लिपिड और प्रोटीन ओके बेटा और यही फैट लिपिड प्रोटीन से क्या बनी हुई होती है हमारी क्या बनी हुई होती है सेल मेमब्रेन बनी हुई होती हैं तो इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का रोल किसमें होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है तो इसलिए इसको बोला जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव अ ग्रेट रोल इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है इट हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है इज दट क्लियर टू यू और एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का क्या है यहाँ पे जो प्रोटीन की होती आई एम राइटिंग फोर्थ पॉइंट दीज प्रोटीन में फंक्शन एज एंजाइम और हॉर्मोन्स कि भाई ये जो प्रोटीन यहाँ पे बने वो एक एंजाइम की तरह भी काम कर सकते हैं और आपके हॉर्मोन्स की तरह भी काम कर सकते हैं ठीक है और क्या करते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी मटीरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो ये क्या थे बेटा दिस इज़ द मेन रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से रिवाइज कर देती हूँ मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस से अराइज होगा और ऐसे सेल में ऐसे टिश्यू सॉरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हम क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी मेम्ब्रेन का कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा है दो टाइप का होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं ठीक है इन प्रोटीन को जहाँ पे भी सेल में रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे यूज़ किया जाता है दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और लिपिड प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है अब ये सब क्या है सेल मेम्ब्रेन के का कंपोजिशन होते हैं सो दैट्स वाई दे हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं फोर्थ फंक्शन क्या है कि भाई जो इन प्रोटीन की सिंथेसिस हुई वो एंजाइम की तरह भी फंक्शन करते हैं और हॉर्मोन की तरह भी ठीक है देन फिफ्थ क्या करते हैं ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं टू डिफरेंट रीजंस ऑफ साइटो प्लासम इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड वन मेन पॉइंट दैट लीवर सेल लीवर सेल्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल्स का एक ग्रुप है जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं तो वर्टिब्रेट्स की लीवर सेल्स के अंदर क्या वर्टिब्रेट्स की लीवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेक्टिकुलम कौन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्प्ले करता है और वो क्या होता है इट हेल्प इन डीटॉक्सीफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग जो लीवर सेल्स के अंदर ड्रग्स और पॉइजन्स आते हैं उसको डी टॉक्सीफाई कर देता है उसकी जो इन ड्रग्स और पॉइजन्स का जो बैड इफेक्ट हो सकता था टॉक्सिक इफेक्ट जो हो सकता था खराब इफेक्ट जो हो सकता था लीवर की सेल्स पर तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का फंक्शन किसका है स्मूथ एंडो प्लास्मिक रेडी कुलम का है इज़ देट क्लियर टू यू बेटा अब हम क्या करते हैं अपने नेक्स्ट और ऑर्गन की बात करते हैं एंड दैट इज गोल्गी अपैरेटस। ओके बेटा सेकेंड वन कौन सा है गोल्गी अपैरेटस। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे दैट दैट वाज़ कैमिलियो गोल्गी उन्होंने ऑब्जर्व किया था कैमिलियो गोल्गी दे स्टडीड मेडिसिन इन 1856 फिफ्टी सिक्स एट पाविया ठीक है इन्होंने नर्वस सिस्टम पे काम किया था किस पे काम किया था दे वर्क ऑन ही वर्क ऑन नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में से इन्होंने नर्व सेल्स को सबसे पहले स्टेन किया था ठीक है और उन नर्व सेल को जो स्टेन करने की प्रोसेस थी क्या किया था इन्होंने एक यूनिक फंक्शन था ये स्टेन नर्व सेल और इसको क्या बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन आपको ओलंपियाड वगैरह में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड ही गॉट नोबे नोबल प्राइज के विजेता है ये और इन्हें कब मिला था? में. वर्क सेल्स के ऊपर करने के लिए तो गोल्गी अपेटस को इन्हीं के ऊपर नाम, के नाम दिया गया है गोल्गी अपेरेटिस क्या होते हैं ये भी मेमब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं क्या होती हैं इट ऑल्सो में पाउंट वेसिकल्स देट है एंड दे आर प्लेस्ड पैरल टू ईच अदर इंस्टेक और इंस्टेक्स को हम क्या बोलते हैं सिस्टर ने क्या बोलते हैं इंस्टेक्स को सिस्टर ने लाइक दिस इज अ सेल न्यूक्लियस न्यूक्लियस से क्या राइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऐसे साइड में पैरेलली वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और एक के ऊपर एक प्रेजेंट होंगे इनको हम क्या बोलते हैं गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस और ये जो एक के ऊपर एक फ्लैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस फ्लैट को क्या बोला जाता है सिस्टर क्या बोलते हैं सिस्टर इनका क्या फंक्शन है इनका फंक्शन क्या है कि जितना भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास बनता है उसको पैक करने का पैकेजिंग का ठीक है और पैकेजिंग के बाद उसको डिस्पैच करने का जहाँ पे भी सेल में उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर या बाहर तो उसको डिस्पैच करने का फंक्शन भी किसका है गोल्गी अपेरिटिस का तो क्या फंक्शन हो जाएगा पैकेजिंग एंड डिस्पैच ऑफ मटीरियल synthesized नियर बाय एंडो प्लाजमिक ठीक है तो वट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कॉलगी अपरिटस मेन फंक्शन क्या हो जाएंगे स्टोरेज मोडिफिकेशन एंड पैकेजिंग Of products and ठीक है दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ गोलगी अपेरेटस गोलगी अपेरेटस को डिस्कवर किसने किया कैमेलियो केमेलियोगगी उन्हीं के नाम पर इन्हें ये नाम प्रोवाइड किया गया होते क्या है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं पैरेलल स्टैक के एक के ऊपर एक रखा हुआ है स्टैक को uh, क्या बोलते हैं सिस्टर ने ठीक है मेन फंक्शन क्या है कि भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ जो भी मटेरियल बन रहा है उसको पैक करना उसको सेल के अंदर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुँचाना सेल के अंदर या बाहर तो आज हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपेरेटस के स्ट्रक्चर को अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है देन लाइक इट देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू हैव अ